अब बात मध्य प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। आज वहां पर जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया जाएगा, जिसमें जनता के लिए कई लोक लुभावन वादे होंगे। तो वहां बीजेपी भी फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रही है, और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। वजह क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश जारी है। चुनाव में एक दूसरे को मात देने के लिए दोनों दल जमकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों का दावा है कि जनता का उन्हें साथ मिल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। माना जा रहा है कि दोपहर 12 बजे कांग्रेस इस घोषणा पत्र को जारी कर सकती है। जनता को लुभाने के लिए इस घोषणा पत्र में कांग्रेस जातिगत जनगणना, फ्री बिजली, सस्ते गैस सिलेंडर, किसान कर्ज माफी, महिलाओं को 1500 रुपए महीना जैसे लुभावने वादे कर सकती है। इस बीच आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ रहे हैं, जहां वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक खास बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी बाकी बची हुई 94 सीटों को लेकर मंथन करेगी। बता दें कि बीजेपी अब तक 136 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है।